गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन जीके वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 17 इन जीके टेक्स्ट बुक। राइट डाउन द क्लास वर्क एंड डेट 16/1/2021। ओके, लेसन नंबर 17, पेज नंबर 22। ओके, मॉन्यूमेंट्स, MONUMENTS, मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है हमारे इंडिया में जो मॉन्यूमेंट्स, यानी जो फेमस जगह है, जैसे रेड फोर्ट, इंडिया गेट, ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया, जैसे और कई भी है चीज़ें जहाँ पे हम हर एक स्टेट्स में कोई ना कोई मॉन्यूमेंट्स है जो हम देखने जाते हैं। जब घूमने जाते हैं तो अलग अलग मॉन्यूमेंट्स देखते हैं ना, जैसे हैदराबाद में है चार मीनार, फिर हमारे मन टेम्पल्स है, बड़े बड़े गुरुद्वारा हैं, जैसे हम चार तीर्थ में घूमने जाते हैं, जगन्नाथ पुरी, द्वारका, सोमनाथ, सब जाते हैं ना देखने के लिए, घूमने के लिए। जैसे हम चार धाम की यात्रा में भी जाते हैं, बद्रीनाथ और सब जगह। तो ये सब अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनको कहा जाता है मॉन्यूमेंट्स। तो हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स हैं जो वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड से देखने आते हैं। There are many beautiful monuments in India. THERE, there, ARE, MANY, many, BEAUTIFUL, beautiful, MONUMENTS, monuments in India. हमारे इंडिया में बहुत सारे सुंदर मॉन्यूमेंट्स हैं। People, PEOPLE, people from all over, FROM, from ALL, all, OVER, over, the world, 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 visit, 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 our country, OUR, COUNTRY, country, our country मतलब हमारा देश, every year, EVERY, every, YEAR, year, to see this monuments, THESE, these, MONUMENTS, monuments, यानी बहुत सारे लोग सारे वर्ल्ड से, वर्ल्ड मतलब पूरा विश्व से, हमारे कंट्री में, हमारे देश में ये सब मॉन्यूमेंट्स देखने हर साल आते हैं। हियर आर सम फेमस मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया, यानी ये पिक्चर्स में बहुत से फेमस, मीन्स बहुत फेमस ही है ये मॉन्यूमेंट्स, इसको देखने जो आते हैं उनके क्लू रीड करके हमें ये ब्लैंक्स फिलअप करने। आइडेंटिफाई, IDENTIFY, identify them, 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 using the clues, USING, using, THE, the, CLUES, clues, यानी ये जो सेंटेंस दिए हैं वो क्लूज़ हैं, उसे यूज़ करके हम मॉन्यूमेंट्स के नेम लिखेंगे। THIS, this, IS, is, IN, in, D लिखा हुआ है, D से ये मॉन्यूमेंट कहाँ पे है, दिल्ली में है, this is in दिल्ली, कैपिटल T दिया है। फिर देखो दिल्ली यहाँ पे बॉक्स में, हेल्प बॉक्स में दिए हैं सारे मॉन्यूमेंट्स के नेम, वो देखते हुए हमें ये फिलअप करना है। दिस इज इन दिल्ली, DELHI, दिल्ली। इट इज़ मेड ऑफ रेड सैंड स्टोन्स, ये पूरा लाल कलर के सैंड स्टोन से बनाया गया है, इसलिए बोला गया है रेड सैंड स्टोन्स, रेत से जो स्टोन बनते हैं ना, उस स्टोन लाल कलर के हैं, इसलिए इसको रेड फोर्ट कहा गया है, लाल किला बोलते हैं हम हिंदी में, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है रेड फोर्ट। ये दिल्ली में है, कहाँ पर है, दिल्ली में। इट इज़ IT, इज़ MADE, मेड ऑफ RED, red, SANDs, and STONE, stone. It is made of red stone, यानी ये लाल रेत के स्टोन जो होते हैं उससे बना गया है, इसलिए लाल किला कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है इट इज रेड फोर्ट, RED, red, FORT, फोर्ट। हिंदी में हम किला बोलते हैं, उसको इंग्लिश में फोर्ट कहा जाता है, चारों तरफ से ये किले की तरह बनाया गया है, बहुत बड़े एरिया में बनाया है। आपको पता है अगस्त 15 को यहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर स्पीच देते हैं लाल किले से, लाल किले पे आते हैं,
झंडा लहराया जाता है, हमारा नेशनल फ्लैग, फिर यहाँ से ही पूरे देश को संबोधन करते हैं, यहाँ से ही वो अपनी स्पीच देते हैं। इट इज़ रेड फोर्ट। नंबर टू, ये क्या है आपको पता है? ताजमहल है। ये कहाँ पे है? आगरा में है। दिस इज़ इन आगरा। टी एच आई एस दिस, आई एस इज आई एन इन ए, ए जी आर ए, आगरा। आगरा इज़ द प्लेस वेयर वी फाइंड ताजमहल। ताजमहल वी सी एट आगरा। इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल। आई टी इट आई एस इज एम ए डी ई, मेड ऑफ वाइट, डब्ल्यू एच आई टी ई वाइट, एम ए आर बी एल ई, मार्बल। इट इज़ मेड ऑफ, दिस होल मोन्यूमेंट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल। वाइट मार्बल मतलब मार्बल, जो मार्बल का कलर टोटली वाइट है, वाइट मार्बल से ये बनाया गया है। इट इज़ कॉल्ड ताजमहल, टी से टी ए जे, ताज एम ए एच ए एल, ताजमहल। दिस इज़ इन आगरा, ये कहाँ पे है? आगरा में है, और वो वाइट मार्बल से पूरा बनाया गया है, और इसका नाम है ताजमहल। इसका नाम है ताजमहल, इसको अकबर ने बनाया है अपनी वाइफ मुमताज़ की याद में। ये मुगल एम्परर अकबर ने बनाया है अपनी वाइफ मुमताज़ के लिए। इट इज़ कॉल्ड ताजमहल। ये आगरा में है, ये आपको याद रखना है। फिर नंबर थ्री, ये क्या है पता है? ये मॉन्यूमेंट है इंडिया गेट। ये है इंडिया गेट, आई टी इट आई एस इज आई एन इन, डी से दिल्ली लिखना है हमें। ये दिल्ली में है, ये दिल्ली हमारा कंट्री का कैपिटल है। हमारे देश का कैपिटल क्या है? दिल्ली। इट इज़ इन दिल्ली, इट इज़ नोन एज इंडिया गेट, आई एन डी आई ए, इंडिया जी ए टी ई गेट, इट इज़ इंडिया गेट, इसको इंडिया गेट कहा जाता है। यहाँ पे विजय स्तंभ भी है, जो हमारे सोल्जर्स के लिए यहाँ पे ज्योत है, वो पूरे हर बार उसको चालू ही रखा जाता है यहाँ पे, जो जवानों के लिए, जो हमारे शहीद हो गए हैं जवान, उनके लिए एक ज्योत है, वो ज्योत पूरे दिन चलती रहती है। इट इज़ इन दिल्ली, इट इज़ नोन एज इंडिया गेट। ये जो मॉन्यूमेंट है वो इंडिया गेट है, ये दिल्ली में है। देन नंबर फोर, आई टी इट आई एस इज आई एन ई एम, एम से मुंबई, देखो यहाँ पे दिया गया है मुंबई में, गेटवे ऑफ इंडिया, एम यू एम बी ए आई, मुंबई। ये कहाँ पे है? मुंबई में है। इट ओवर लुक्स द अरेबियन सी, आई टी इट ओ वी ई आर, ओवर एल डबल ओ के एस, लुक्स द अरेबियन, ए आर बी आई ए एन, अरेबियन एस ई ए सी, अरेबियन सी, यानी यहाँ से अरेबियन सी स्टार्ट होता है, और ये जो मॉन्यूमेंट है सी के पास ही है। इसे भी देखने बहुत सारे लोग आते हैं, पूरे वर्ल्ड से लोग इसे देखने आते हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये यहाँ से अरेबियन सी स्टार्ट होती है, ये बॉर्डर है अरेबियन सी का, ये मुंबई की जो बॉर्डर है वहाँ पे है, और यहाँ से अरेबियन सी में हमें बोटिंग करने के लिए ले जाते हैं। इट इज़ गेटवे, नेम क्या है इसका? गेट, जी ए टी ई, गेट वे ऑफ इंडिया। यहाँ से अरेबियन सी स्टार्ट होता है, और ये हमारी इंडिया की एक बॉर्डर भी है। ये जो मॉन्यूमेंट है वो गेट की तरह बनाया गया है, इसलिए उसको गेट वे ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की एक बॉर्डर ही है, यहाँ से अरेबियन सी स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसको इंडिया गेट कहा जाता है, गेट वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, आवर नेशनल सिंबल्स, ओ यू आर एन ए टी आई ओ एन ए एल, नेशनल, एस आई एम बी ओ एल एस, हमारे नेशनल सिंबल्स के बारे में हम रीड करेंगे। डब्ल्यू ई वी एल आई वी ई, लीव आई एन इन आई एन डी आई ए, इंडिया, वी लीव इन इंडिया, यानी हम इंडिया में रहते हैं,
people people who live in India are called called Indians, I-N-D-I-A-N-S, Indians. हम इंडिया में रहते हैं इसलिए हमें इंडियन कहा जाता है. इंडिया में जो रहते हैं वो इंडियंस कहे जाते हैं. जैसे हम भारतवासी हैं, इंडिया को हिंदी में बोलते हैं ना भारत, और भारत में जो रहते हैं उनको भारतवासी कहा जाता है. ऐसे इंग्लिश में भारत का नेम इंडिया है और जो पीपल यानी हम यहाँ पे रहते हैं इसलिए हमें कहा जाता है इंडियंस. हम क्या हैं? इंडियंस. आइडेंटिफाई, IDENTIFY, आइडेंटिफाई द सिम्बल्स, SYMBOLS, सिम्बल्स एंड राइट देयर नेम्स. यानी ये सिम्बल्स हमारे इंडिया के जो नेशनल सिम्बल्स हैं, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह जिसको बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, और जो अलग अलग राष्ट्रीय सिम्बल्स हैं उनके बारे में हम लर्न और राइट करेंगे. राइट देयर नेम्स. यूज़ द हेल्प बॉक्स. देखो नीचे हेल्प बॉक्स है, पीकॉक, मैंगो, बनियन ट्री, टाइगर, हॉकी, लोटस. सो फर्स्ट वन, आवर नेशनल एनिमल, OURNATIONAL, नेशनल, ANIMAL, नेशनल एनिमल. आवर नेशनल एनिमल इज, ये क्या है पिक्चर में? टाइगर. टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है. TIGER, टाइगर. टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल. आर नेशनल बर्ड, OURRNATIONAL, नेशनल BIRD बर्ड. आर नेशनल बर्ड इज पीकॉक, PEACOCK, पीकॉक. ये क्या है? पीकॉक. ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है. आर नेशनल बर्ड, आवर नेशनल बर्ड इज पीकॉक, PEACOCK, पीकॉक. आर नेशनल फ्रूट, नेशनल फ्रूट हमारा राष्ट्रीय फ्रूट कौन सा है? फल, मैंगो, MANGO, मैंगो. OURRNATIONAL, नेशनल, NATIONAL, नेशनल फ्रूट. FRUIT, फ्रूट. फ्रूट मतलब फल. हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा है? दैट इज मैंगो, MANGO, मैंगो. आर नेशनल ट्री, OURRNATIONAL, नेशनल ट्री, TREE, ट्री. ट्री मतलब पेड़. हमारा राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बनियन ट्री. देखो BANYAN, बनियन, TREE, आर बनियन ट्री. नेशनल ट्री इज बनियन ट्री, उसको वर्ड बोलते हैं बनियन ट्री. इंग्लिश में बनियन ट्री कहा जाता है, हिंदी में वर्ड कहते हैं. OURRNATIONAL, नेशनल. FLOWER, नेशनल फ्लावर. हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस. ये देखो वाइट कलर का लोटस है. LOUTUS, लोटस. ये नेशनल फ्लावर है. हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? लोटस, कमल. हिंदी में इसको कमल कहते हैं. ये वाइट कलर का लोटस है. इसमें OURRNATIONAL, नेशनल गेम, GAME, गेम. आर नेशनल गेम इज, देखो पिक्चर में कौन सा गेम है? हॉकी, HOCKEY, हॉकी इज अवर नेशनल गेम. हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी. ओके, अब देखो यहाँ पे कैप्शन में दिया है, मैंगो इज नोन एज द किंग ऑफ फ्रूट्स. हमारा जो राष्ट्रीय फ्रूट है, फल है मैंगो, वो क्या है? किंग ऑफ फ्रूट्स है. वो फलों का राजा है ना. मैंगो सबको भाता है और वो फलों का राजा कहा जाता है. देन सी द नेक्स्ट चैप्टर 19, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. On all the pages, you have to write the date 16/1/2021. Okay. Means of transport, MEANS, means of TRANSPORT, transport. Means of transport. Means of transport means जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं. जैसे ट्रेन, बस, हेलीकॉप्टर, कार. ये क्या है? सिप, एरोप्लेन, बाइक, साइकिल, ऑटो रिक्शा. ये हेल्प बॉक्स में नेम्स दिए हैं, हमें पिक्चर देख के वो कंप्लीट करना है.
दिस वन इज ट्रेन, नंबर वन इज ट्रेन. ट्रेन कहाँ पे चलती है? पटरी पे. ट्रेन मूव्स ऑन रेलवे ट्रैक्स. ट्रेन ऑलवेज मूव्स ऑन रेलवे ट्रैक. सी, हियर आई एम रीडिंग इट. वी नीड डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. DIFFERENT different MODS modes of transport. TRANSPORT transport to go from one place to another. PLACE place to ANOTHER another. यानी एक जगह से दूसरी जगह के लिए ट्रांसपोर्ट, यानी व्हीकल्स जो एक जगह से दूसरी जगह हमें ले जाते हैं उसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अलग अलग तरह से जाते हैं. कोई बस से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है, कोई प्लेन से जाता है, कोई शिप से जाता है. तो वो हुए मोड्स, MODS मोड्स, यानी अलग अलग तरह से जाते हैं. तो वो हमें हेल्प बॉक्स में देख के यहाँ पे नेम्स लिखने हैं. ओके, नंबर वन TRAIN ट्रेन. TRAIN ट्रेन. ट्रेन ऑलवेज मूव्स ऑन रेलवे ट्रैक्स. जो ट्रैक्स पटरियाँ डाली गई होती है रेल की, उसी पे ही ट्रेन चलती है. वो ऐसे ज़मीन पे नहीं चलती, वो अपने ट्रैक्स पे ही चलती है. सो दिस इज़ TRAIN ट्रेन. देन दिस इज़ बस. इट मूव्स ऑन रोड. वो रोड पे चलती है, एक सिटी से दूसरे सिटी को हमें ले जाती है. और सिटी बस भी होती है जो एक जगह से दूसरी जगह हमें ले जाती है. तो ये है बस. नंबर टू इज़ बस. देन दिस इज़ हेलीकॉप्टर. हेलीकॉप्टर एयर में फ्लाई करता है पर वो बहुत सारे लोगों को एक साथ नहीं ले जा सकता. वो 6 से 7 जन या 8 जन को ले जा सकता है. बहुत सारे लोग इसमें नहीं बैठ सकते और वो लिमिटेड डिस्टेंस में ही चलता है, एक सिटी से दूसरी सिटी तक बस. पर इससे ज़्यादा बहुत आगे नहीं जाते हैं. सो दिस इज़ हेलीकॉप्टर. HELICOPTER हेलीकॉप्टर. हेलीकॉप्टर के लिए रनवे नहीं चाहिए. वो कहीं भी उतर कर, जो बड़ी लैंड एरिया सरफेस एरिया होती है उसमें वो उतर सकता है. उसके लिए एयरपोर्ट नहीं चाहिए और वो उसमें पर्सन्स भी लिमिटेड ही बैठ सकते हैं, बहुत सारे नहीं बैठते. HELICOPTER हेलीकॉप्टर. देन दिस इज़ कार. व्हाट इज़ इट? कार. CAR कार. एंड दिस इज़ शिप. इसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं. देखो ये बहुत बड़ी शिप है, इसमें देखो अलग अलग इतने स्टेयर्स हैं. सो दिस इज़ शिप. इट मूव्स ऑन सी. ये दरिया में ही चल सकती है. SHIP सिप. दिस इज़ एरोप्लेन. इसमें हेलीकॉप्टर से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं और वो कंट्रीज, एक कंट्री से दूसरी कंट्री और हमारे सिटीज़ में भी लॉन्ग डिस्टेंस में हमें ले जाते हैं. सो दिस इज़ एरोप्लेन. AEROPLANE एरोप्लेन. एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर है वो स्काई में उड़ते हैं. दे फ्लाई इन स्काई एंड टेक अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड फ्लाइट्स लाइक एरोप्लेन कैन टेक अस टू डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो. वो इंटरनेशनल प्लेन्स भी होते हैं जो हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाते हैं और एक सिटी से दूसरे सिटी डिस्टेंस ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस वो ट्रैवल कर सकते हैं. देन दिस इज बाइक. BIKE बाइक. बाइक सबको पसंद है ना? आप भी बाइक पे बैठ के घूमते हो. BIKE बाइक, अपने पापा के साथ. ओके, देन दिस इज साइकिल. साइकिल चलाते हो आप? छोटे बच्चों की भी साइकिल, साइकिल बड़ी भी आती है छोटी भी आती है, जो हमें लेग से चलानी होती है. CYCLE साइकिल. साइकिल चलाते हैं ना तो हाइट भी बहुत जल्दी बढ़ती है ना? तो आप भी साइकिल चलाना सीख लोगे अभी थोड़े दिनों में. देन दिस इज ऑटो रिक्शा. ऑटो रिक्शा हमारे सिटीज़ में घूमती रहती है. AUTO ऑटो रिक्शा, जो एक जगह से दूसरी जगह हमें ले जाते हैं बिठा के. RICKSHAW रिक्शा. AUTA ऑटो. RICKSHAW रिक्शा. ऑटो रिक्शा. ओके, अगेन आई एम रीडिंग द नेम्स. नंबर वन ट्रेन, टू बस, हेलीकॉप्टर विच फ्लाइज इन एयर,
ये रोड पे चलती है, कार भी रोड पे चलती है, ट्रेन लैंड पे चलती है पर अपने रेलवे ट्रैक्स पे ही चलती है। सिप, इट मूव्स इन ऑन सी, दरिया में ही चलता है सिप, बर्ड बड़ी बड़ी सिप होती है। एरोप्लेन, इट फ्लाइज इन एयर। बाइक, ये भी लैंड ट्रांसपोर्ट है जो जमीन पे चलती है। साइकिल, ये भी लैंड ट्रांसपोर्ट है। रिक्शा, ये भी लैंड ट्रांसपोर्ट है पर साइकिल में हमें अपने लेग से साइकिल को चलानी पड़ती है ना। सो दीज आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड दिस आर द 3 लेसन्स यू हैव टू कंप्लीट टुडे इन द टेक्स्ट बुक। ओके, गुड बाय।